क्या हाल है दोस्तों, आज हम बहुत सारा विचित्र गैजेट की अनबॉक्सिंग करेंगे जो डेली लाइफ में मोस्टली यूज होते हैं। तो अगर आप लोग इन सारे गैजेटों को यूज करेगा ना तो डेली लाइफ में आप लोग को बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट। दोस्तों बेसिकली ये एक अलार्म लॉक है, अगर अपनी तिजोरी में कुछ खजाना वजाना रख दिया तो इस लॉकर को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रैपर को निकाल देते हैं और ये रहा हमारा की और ये रहा हमारा मेन अलार्म लॉकर। कैसे यूज करना है मैं देखूंगा। और ये बैटरी से चलता है, बैटरी रिप्लेस कर सकते हो और ये रिप्लेस करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। सो गाइस ये रहा हमारा लॉकर का मेन पार्ट, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है राइट। तो पहले अपने कान में रुई डाल लो। तो बेसिकली इसको हम इससे निकाल लेते हैं, कैसे यूज करना है मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। ये निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या पार्ट है एक बार आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे स्पीकर है ज्यादा लाउड करने के लिए और नीचे साइड में यहाँ पे सेल लगता है। सेल को निकालने के लिए ये दोनों साइड में स्क्रू दिया गया है, अंदर की साइड स्क्रू निकाल लो तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा और आपको बैटरी लगाना है अगर बैटरी डाउन हो जाए तो। बस इतना सा काम है। अभी हमारा मेन यूज कैसे करना है, इस वाला पार्ट को दो साइड में आप यूज कर सकते हो। एक पार्ट में अलार्म बजेगा और एक साइड में अलार्म नहीं बजेगा। तो हम देख लेते हैं किस साइड में अलार्म बजता है और किस में नहीं। चलो इस बार ऐसा लगाता हूं, मतलब ये बीप आवाज कर रहा है, अलार्म सेट होगा। अगर आप लोग इसको मोर के इस तरह से लगाओगे तो इस बार आवाज नहीं किया, मतलब इस बार अलार्म सेट नहीं होगा। अगर आप लोग अलार्म सेट नहीं करना चाहते, जस्ट इसको लॉक में रखना चाहते हो तो इस तरह से लगाना होगा। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो और अपनी तिजोरी को हाई सिक्योरिटी में करना चाहते हो, आपको इसको मोर के लगाना होगा ताकि लॉक करने के टाइम इस तरह से बीप आवाज करे। अभी बीप आवाज किया मतलब आपका अलार्म सेट होगा, ठीक है। अभी दोस्तों लॉक करने के लिए चाबी को घुमा दो, घुमाने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे और तीन बार आवाज करेगा। ये देख सकते हो चाबी निकल दिया, तीन बार आवाज किया, क्या मतलब अलार्म परफेक्टली सेट हो चुका है। चलो इसको अलार्म बजा के देख लेते हैं। तो ये गाइस ये देख सकते हो ऑटोमेटिकली अलार्म बजना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये कैसे काम करता है, बेसिकली अगर लॉक कर लिया, लॉक करने के बाद 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के लिए इसको वाइब्रेशन किया तो ऑटोमेटिकली ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अलार्म एक बार 15 सेकंड बजने के बाद बंद हो जाता है, फिर 35 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली फिर से बजना स्टार्ट कर देगा। जितना टाइम इसका सेल खत्म नहीं हो जाता उतना टाइम ये बजता रहेगा। और दोस्तों ये मैंने ऑफलाइन से बाय किया, ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हो। ऑनलाइन से बाय करो अराउंड 400 लग जाएगा, अगर ऑफलाइन से बाय करोगे आई थिंक अप्रोक्स 250 रुपीस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर मूव करते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों, आजकल शॉप में, ऑफिस में या फिर होम में भी बहुत सारा वाटर गैलन यूज करता है, तो इन वाटर गैलन से उठा के पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्मार्ट तरीके में आप लोगों को बता देता हूं। तो ये रहा हमारा वाटर डिस्पेंसर, इसको रिचार्ज भी कर सकते हो, जस्ट एक बटन दबाओ पानी निकल जाएगा। चलो हम इसको निकाल लेते हैं। और ये रहा हमारा मेन डिवाइस और ये रहा हमारा कागजात जिसको हम यूज नहीं करते हैं कभी भी। ये क्या चीज है, चलो देख ले देंगे क्या है। तो ये रहा एक पाइप जिससे पानी बाहर आएगा और ये रहा हमारा मेन गैजेट। चलिए हम देख लेते हैं और क्या क्या है। और ये रहा एक यूएसबी डाटा केबल दिया गया है चार्ज करने के लिए और ये रहा पाइप। चलिए हम इसको लगा के देख लेते हैं। पहले तो इस वाला पार्ट को यहाँ पे लगाना होगा, अच्छी तरह से लगा दीजिए ताकि इसमें से लीक ना हो। तो ये रहा ये वाला पाइप लगेगा जहां से ये पानी निकलेगा और ऊपर की साइड में एक स्विच दिया गया है, एक स्विच दबाने के बाद पानी बाहर निकल के आ जाएगा। और ये रहा एक माइक्रो यूएसबी जिससे आप इस डाटा केबल से चार्ज कर सकते हो। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं। तो इस वाला पार्ट को आपको ऊपर की साइड में लगाना होगा और यहाँ पे एक नेट दिया गया है ताकि कुछ वेस्टेड ऊपर की साइड या फिर वगैरह नहीं आए, ठीक है। तो ये लग चुका है और इसमें चार्ज है क्या, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो लाखों प्रयासों के बाद हम इस मुकाम पे आया, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास गैलन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने ट्राई किया, आखिरकार हमने इस बोतल को लेके आया। तो बस इसको अंदर डालना है, पाइप ज्यादा लंबा है, इसमें शायद जगह नहीं होगा। तो फाइनली हमने रख दिया, इसको टेस्ट करते हैं। चलो इसको स्विच है, स्विच को दबाना होता है और ये मशीन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। मैं बोला था जगह नहीं होगा, पाइप ज्यादा लंबा है, पानी ऊपर नहीं आता है, तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा। और ये देख सकते हो स्विच देने के बाद स्टार्ट हो चुका है और पानी आराम से डल रहा है। कैमरा पे दिख रहा है क्या, ओके। और ये देख सकते हो आराम से पानी खींच रहा है, एक्चुअली इसका जगह कम है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली हमारा ग्लास पूरा हो चुका है, टेस्टी है। दोस्तों इसका बैटरी चार्ज होने में 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा चार्ज करने के बाद पता नहीं कितना दिन चलेगा, कोई लिखा हुआ नहीं था, बट मैं काफी दुकानों पे देखा था ये प्रोडक्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, बेसिकली एलसीडी राइटिंग टैबलेट है। अगर आपके घर में या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो इस टैबलेट को यूज कर सकते हो। दोस्तों काफी सस्ता आ जाएगा, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। बेसिकली इस प्रोडक्ट में आपको लिखना होता है, अगर आपके किड्स को कुछ स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो इस टैबलेट को एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। सो गाइस ये रहा मेन प्रोडक्ट, ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे लिखने के लिए एक पेन दिया गया है और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है और सेल ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, एक सेल से 2 साल चल जाएगा जो कंपनी
रहे हैं कंपनी का दावा है, और यहाँ पे एक स्विच मिलता है डिलीट का, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप लिख सकते हो बिंदास। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब या फिर आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, इवन आपका किड्स को कुछ सिखाना होता है, तो ये टैबलेट को एक बार ट्राई कर सकते हो, काफी सस्ता में आ जाएगा और मेंटेनेंस भी कम है, इसमें मेंटेनेंस तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो दोस्तों इसको यूज कैसे करना होता है, बेसिकली यहाँ पे एक स्विच दिया गया है इरेज करने के लिए, और पेन तो मैं आप लोग को बोल दिया सेल ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, राइट। और थोड़ा सा मेरा बैड लक के कारण ये प्रोडक्ट डैमेज मिला, लेकिन अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो बस अभी ऑटोग्राफ देने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों इसको यूज करके देख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से ये लिख रहा है, जितना चाहो उतना लिख सकते हो, ये देख सकते हो आराम से ये लिख रहा है, और गाइस ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है टूटने के कारण, इसलिए अच्छी तरह से दाग नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी लिखने के बाद जस्ट आप लोग को यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, स्विच को दबाने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारे इरेज हो जाएगा, देख सकते हो आराम से ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा की पूरा फट चुका है, इसलिए अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट काफी तगड़ा है, अगर आप लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट को एक बार ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके घर में किड्स है उनके लिए ले सकते हो, अगर किड्स नहीं है फटाफट बना लो, कट कट कट। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका क्या ही रिव्यू करें, इसलिए सीधा गला में डाल दिया। दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा किचन में काम आएगा, बाकी कहीं पे भी इतना ज्यादा काम तो नहीं आएगा, इवन अगर आप लोग ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हो उस जगह पे काम आएगा, और बस इसको इसी तरह से ही यूज कर सकते हो, इसलिए दिखाना क्या है सीधा डाल दिया जगह पे जहां पे होना चाहिए। तो बस इस प्रोडक्ट को चार्ज करना है, चार्ज करने के बाद यूज कर सकते हो। दो साइड में फैन दिया गया है, दोनों फैन आपके मुंह पे बवंडर ला देगा, बस यूज करने से पहले इसको गले में डाल लो, और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, स्विच को ऑन कर दो। तो दोस्तों स्विच ऑन करने के बाद ये देख सकते हो कितना अच्छी तरह से हवा दे रहा है। अगर पावर कट का ज्यादा प्रॉब्लम है तो किचन में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ट्रेवलिंग वगैरह में ज्यादा काम आएगा, तो डेफिनेटली आई थिंक ये यूजफुल प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये 3 लेवल एडजस्टेबल स्विच है, इस फैन का स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो 3 लेवल तक, देन ये और लास्ट स्विच दबाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा है, बट इंडियंस को काम नहीं आएगा, आई थिंक चाइनीज को ही काम आएगा। दोस्तों अगर लैपटॉप में काम कर रहे हो तो उस टाइम भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों गैजेट तो भाई गैजेट ही होता है, तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बाय करना, ये नहीं कि आप लोग को जो भी प्रोडक्ट दे रहा हूं आप लोग बाय करने के लिए बोल रहा हूं, भाई गैजेट है इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। अभी भाई आप लोग को चूज करना है आपको कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत है। ये रहा हमारा इस वीडियो का छोटा सा नन्ना सा एक छोटा सा गैजेट। दोस्तों इसको देखने में लेजर लाइट की लगता है, बट ये है नहीं, बेसिकली ये स्टार डेकोरेशन लैंप है। अगर आपको घर में किसी एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे अगर इसको डेकोरेट करना हो ना, उस जगह पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। बेसिकली छोटा जगह पे ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों इसको किसी भी एंगल पे रख सकते हो, जहां पे आपको प्रोजेक्ट करना हो उस जगह पे रख सकते हो। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूं, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों इसको आप किसी भी यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करके यूज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, ये देख सकते हो, और ये ज्यादा कुछ नहीं है। पावर बैंक से यूज करके मैं आप लोग को दिखा देता हूं, किसी भी लैपटॉप यूएसबी पोर्ट आप यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको मैं पावर बैंक में लगाता हूं, और ये काम कर रहा है, और ये देख सकते हो दिख रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो इस तरह से काम आएगा, बट इसका एक्चुअल जो फोकस होगा ना मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये रहा देख सकते हो, और इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसका पोजीशन हम देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये रात में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ये छोटा जगह पे सही लगेगा, उतना बड़ा जगह पे तो सही नहीं लगेगा, छोटा जगह पे सही लगेगा। तो जैसे कि हर बार की तरह मैं आप लोग को बोलता हूँ, आपकी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करना, जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है बाय कीजिएगा, मेरा तरफ से कोई भी हाँ ना नहीं है, जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई, अगर इस वीडियो को पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दीजिए फटाफट, ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपकी तरफ से।